बोलो हर हर महादेव, कोटेश्वर महादेव की जय। वो माता जी का मठ है तो वहाँ भीड़ है, आशापुरा माता का मंदिर है। हाँ। अभी हम जा रहे हैं कोटेश्वर महादेव के, महादेव जी के दर्शन करेंगे। कोटेश्वर महादेव पहुँच के फिर क्या खाना है? हाँ हाँ, खाओ। अरे ये मत रोको, महादेव हर हर महादेव। देखो मम्मी उस तरफ। अरे ये लेंस ब्लॉर क्यों हो गया? अरे दोनों जगह नेविगेशन चालू है, गाड़ी का और मोबाइल का। मोबाइल वाला लेकिन सीधा सीधा चलो, मोबाइल ले लेना। ये बोल रहे हैं यू टर्न लो इफ पॉसिबल। गाड़ी वाला बोल रहा है उल्टा जा रहे हो और मोबाइल बोल रहा है इसी रास्ते चलते। सही है, बहुत सही। क्या है? अरे डॉलर बिग बॉस, डॉलर वाला पहनी है। अरे वाह, अरे ये मेरा वाला चिल्ली नहीं, वो डैडी का एक्चुअली। यहाँ तो कुछ होटल वोटल नहीं दिख रहा, पूरा बंजर जमीन है। देखते हैं आगे कहाँ मिलता है। अभी हम पहुंच चुके हैं नारायण सरोवर के प्रवेश द्वार में। आप देख सकते हैं भव्य दृश्य। नारायण सरोवर, यहाँ से कहाँ जाना है? सीधा सीधा पार होके जाएंगे उधर। हाँ, नारायण सरोवर को पार करके जाएंगे। हाँ हाँ, लिखा तो है। ये है क्या एंट्रेंस? ये तो वो है, तो कहाँ है? यहाँ से दिख रहा है महादेव की मंदिर। ये देखिए, ये है एंट्रेंस गेट। यहाँ पे सॉल्ट जमा हुआ है, व्हाइट व्हाइट दिख रहा है। यहाँ पानी गुजरात ये नहीं होता है, पानी होने के बाद छोड़ देता है। गुजरात टूरिज्म हर जगह लिखा है। उधर से उस तरफ पाकिस्तान बॉर्डर है, उस तरफ इधर आगे कुछ किलोमीटर किसी का नहीं है, वो गवर्नमेंट की तरफ से है सब। चलो उतरते हैं, पार्किंग में लगा के उतरेंगे। ठीक है, रेडी हो जाओ। कहाँ है ना? कोटेश्वर, कोटेश्वर महादेव। कोटेश्वर महादेव हम लोग पहुंच चुके हैं कार पार्किंग एरिया में। बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है। चलो साइट। मंदिर के अंदर जा रहे हैं हम। और सर तो चलो मंदिर में जा रहे हो? नारे लेके आए, लेके आए। यहाँ पे बहुत सारे खाने पीने का स्टॉल्स भी लगा हुआ है, हैंडीक्राफ्ट का भी, जूस। आप लोग यहाँ आके भूख लग रहा है तो भी खा के आराम से दर्शन कर सकते हैं, या फिर दर्शन करके फिर आके खा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे गुजरात में हर जगह थोड़ा दूर दूर में ही है डेस्टिनेशन सब, तो आदमी एक जगह रुक के खाएगा, फिर रेस्ट करेगा, फिर ही जाएगा ना। एक एक डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए 3 to 4 hours लग जा रहे हैं। 20 रुपए। ये कितने का है भैया ये वाला? और ये सर 150 रुपए। हर हर महादेव। फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए और ओल्ड एज लोगों के लिए यहाँ पे लिफ्ट का सिस्टम है, आप यहाँ पे जा सकते हैं लिफ्ट। फोन
वो जो आगे नाव दिख रहा है ना, वहीं से 4-5 किलोमीटर आगे तक अरे वो आगे तक अपना इंडियन नेवी वाले रहते हैं, उधर हमारा इंडियन कंट्रोल में है, उससे आगे फिर पाकिस्तान का कंट्रोल है। अच्छा, और ये जो है आर्मी का लास्ट पॉइंट है वहाँ। हाँ। जो मंदिर से थोड़ा सा आगे वो जो बना है छोटा सा चेक पोस्ट। हाँ। वो इंडियन आर्मी का लास्ट चेक पोस्ट है। चलिए मंदिर दर्शन करते हैं। उनको बोलना था এটা ওটা বচ্চা মনে করে। হ্যাঁ एक हाथ में ज्योति में क्या आ रहा है। अच्छा, जय श्री गणेश। चलो 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 आगे चलो आगे चलो। हाँ जाओ चलो। यहाँ का स्टोरी है एक तो बताएंगे। यहाँ रावण जी ने एक बार घोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया और शंकर भगवान ने उनको वरदान स्वरूप अपना ज्योतिर्लिंग दिया, ज्योति दिया। उस ज्योति को लेके आ रहे थे तो नारायण भगवान ने यहाँ लीला रची और रावण को एक गाय के रूप में थे यहाँ और वो धस गए थे दलदल और मदद के लिए पुकार रहे थे। तो रावण उनको देख के नीचे आता है और उनको निकालने की कोशिश करता है। एक हाथ में ज्योति रहती है, एक हाथ से निकालने की कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाते। तो इसके बाद क्या होता है, वो रख देता है यहाँ पर और फिर उनको निकालता है। तो क्योंकि वो अचल ज्योति था तो यहाँ जैसे रख दिए तो यही स्थापित हो गए। ज्योतिर्लिंग तो नहीं है लेकिन क्योंकि रावण खुद शिव जी से लेके आया था तो इस जगह का भी बहुत ज्यादा मान्यता है। तो यहाँ इसको कोटेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ का स्टोरी एक जगह पे लिखा हुआ है, मैं दिखाती हूँ। वहाँ पे लिखा गया है स्टोरी यहाँ का। काट देगा, हाँ इतना नुकीला दांत होता है पूरा गड़ जाएगा। यहाँ से कुछ दूर इंडिया का है बॉर्डर, उसके बाद फिर पाकिस्तान का कंट्रोल आता है। उधर आर्मी वाले हमारे पहरेदारी करते रहते हैं, तैनात है। नेवी भी है, इंडियन नेवी भी देखते हैं और आर्मी वाले भी हैं। कितना बार हम लोग इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर देख चुके हैं। एक बार अमृतसर गए, फिर जम्मू में गए, फिर लद्दाख में गए, अभी यहाँ आ गए गुजरात में। अब लगता है कि पाकिस्तान एक बार घुस के ही आना पड़ेगा। ए? वेजिटेबल वाला दो ठो ये लो। हाँ अरे चिल्ली देंगे मामा, चिल्ली ले जाओ, एक ठो ले जाओ गल। ये बीएसएफ का बेस कैंप है कोटेश्वर नाथ की। रोड अभी बन रहा है, आगे का बना हुआ है। ये गेट से यहाँ तक का रोड बन रहा है, 3 किलोमीटर करीब का होगा। ये रोड के दोनों तरफ ये समुंदर है सर, समुंदर है और खारा पानी है यहाँ तो। खारा पानी है और नारायण सरोवर में मीठा पानी है वहाँ का। और आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिए जो लोग नहीं किए हैं। सो फ्रेंड्स फिर मिलता है एक नई जगह में एक नई वीडियो के साथ हम लोगों के साथ। तब तक के लिए बाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। I got a piece of my heart that's covered in gold. You know I'm one of a kind, or so I've been told. No matter where we go, I know we're gonna make it. No matter where we go, I know we're not alone. We face it.